सामान्य नॉलेज की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम पर्सनैलिटी टेस्ट के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पिछली क्लास में हमने मेमोरी टेस्ट से कुछ क्वेश्चन किए थे, तो आज हम पर्सनैलिटी टेस्ट के कुछ क्वेश्चन करेंगे। लेकिन उससे पहले समझेंगे कि पर्सनैलिटी टेस्ट होता क्या है। असल में मेमोरी टेस्ट मतलब कि आपके यहाँ पर माइंड का टेस्ट किया जाता है कि आप किसी भी चीज़ को कितने लंबे समय तक मेमोराइज करके रख सकते हैं, आप चीज़ों को कितने टाइम तक के लिए ऑब्जर्व करके रख सकते हैं, तो वहाँ पर मेमोरी टेस्ट किया जाता है। तो उसके क्वेश्चन मैंने आपको करवाए थे। लेकिन आज की क्लास में हम पर्सनैलिटी टेस्ट मतलब कि आपका कहना चाहिए कि बिहेवियर कैसा है लोगों के प्रति, कहते हैं समाज के प्रति, और आप कोई भी डिसीजन लेने के लिए किस टाइप की थिंकिंग रखते हैं। क्या आप पॉजिटिव थिंकर हैं या फिर नेगेटिव थिंकर हैं या फिर नॉर्मल पर्सन हैं, तो उसके लिए पर्सनालिटी टेस्ट होता है। तो उसके कुछ क्वेश्चन हैं, चलिए आज देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो जितने भी सेक्शन हैं, आपको हर सेक्शन में पास होना ज़रूरी है। अगर आप किसी भी एक सेक्शन में फेल होते हैं, ठीक है, तो आप इस रेस से डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। रेस इन द सेंस कि यहाँ पर 237 सीट की क्या रेस चल रही है, कितने लोगों के बीच में, तो 96 लोगों के बीच। अच्छा चलिए मैं फिर से लिखती हूँ, 1896 इतने लोगों के बीच में आपकी रेस चल रही है। लेकिन अगर आप इन पांचों में से किसी भी एक सेक्शन में फेल होते हैं, तो आप इस रेस से डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो यहाँ पर जितनी भी सेक्शन है, आपको हर सेक्शन में पास होना बहुत ज़रूरी है। और इसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चन वेरी करेंगे, प्लस नंबर ऑफ़ जो उनके टाइम ड्यूरेशन आपको गिवन होगी एग्ज़ाम मतलब टेस्ट में, वो भी डिफरेंट डिफरेंट होगा। तो आपको हर टेस्ट में गिवन टाइम ड्यूरेशन में ही उन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और एक अच्छी बात यह है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो दैट्स वेरी गुड थिंग। एंड पर्सनैलिटी, तो आप समझते होंगे पर्सनैलिटी मतलब क्या होता है। आपका नेचर कैसा है किसी भी चीज़ को लेकर, किसी भी सिचुएशन को लेकर, क्या आप पॉजिटिव थिंकर हैं। देखिए ये दो लाइन है, यहाँ पर हम समझते हैं कि यहाँ पर जितने भी इससे नीचे जाइए तो नेगेटिव पर्सन आते हैं, ठीक है, इससे ऊपर जाइए तो ऑल आर पॉजिटिव पर्सन। लेकिन आपको एक पॉजिटिव थिंकर, एक आइडियल पर्सन की तरह पे सोचकर एक डिसीजन लेना है कि जो भी क्वेश्चन लिखा है इसको, इसके अकॉर्डिंग अगर आप रियल लाइफ में उसे फॉलो करें नहीं करें डजेंट मैटर, लेकिन उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या आंसर होना चाहिए। देखिए यहाँ पर आंसर भी सबके वेरी कर सकते हैं, यहाँ पर कुछ भी आंसर किया गलत सही नहीं होता है। ये है कि बस आपके मार्क्स वेरी कर सकते हैं। आप माना कि किसी भी पर्सन को जज करने के लिए कुछ पैरामीटर सेट किए गए हैं, उसी टाइप से जो पर्सनालिटी टेस्ट होता है इसमें क्या कहते हैं क्वेश्चन गिवन होते हैं। माना कि अगर टोटल कितने क्वेश्चन हैं, हम मान के चलते हैं कि टोटल 80 क्वेश्चन है, ठीक है, खरीदते तो नहीं होंगे लेकिन फिर भी टोटल 80 क्वेश्चन है, तो आपको 80 के 80 ऑल आर अटेम्प्ट करना है, कोई छोड़ना नहीं है। क्योंकि अगर एक पैरामीटर सेट किया गया है कि हाँ इतने किसी भी पर्सन को जज करने के लिए 80 पैरामीटर हो सकते हैं, तो आपको हर एक क्वेश्चन को रीच करना है, प्लस उसे करना है मतलब कि उसे सॉल्व करना है। सॉल्व कर क्या करना है मतलब टिक लगाना है, जो भी आपका क्वेश्चन को रीच करने के बाद जिस टाइप की आपकी थिंकिंग बनती है, ठीक है, किसी भी एक क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। क्योंकि अगर एक भी पैरामीटर कहना चाहिए कि एक भी क्वेश्चन आप छोड़ते हैं, तो फिर जज करना मुश्किल हो जाएगा कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। तो पहला चीज़ कि कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, दूसरा एक आइडल पर्सन की तरह पे मतलब एक आइडल पर्सन की तरह आपको सोचकर क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया हो कि पर्सनालिटी टेस्ट में एक ह्यूमन बिहेवियर जो उसका समाज के प्रति, सोसाइटी के प्रति, एक पर्टिकुलर सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या बिहेवियर हो सकता है, इसके अकॉर्डिंग ही आंसर करना है। एक और बात कि नेगेटिव थिंकिंग लेकर माइंड में उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। पहली बात, व्हाट इज़ अ पर्सनालिटी टेस्ट, तो देखिए पर्सनालिटी टेस्ट इज़ अ टूल, एक ऐसा टूल है जो किसमें यूज़ किया जाता है, तो यूज़ टू असेस ह्यूमन पर्सनालिटी, जो मनुष्य है उसके जो व्यक्तित्व है, उसका जो बिहेवियर है, उसकी जो पर्सनालिटी है, उसको जज करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। पर्सनालिटी टेस्टिंग एंड असेसमेंट रिफर्स टू टेक्निक डिज़ाइन टू मेजर द कैरेक्टरिस्टिक्स पैटर्न ऑफ ट्रेंड्स दैट पीपल एग्जिबिट अक्रॉस वेरियस सिचुएशन, तो जो डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन है इसके अकॉर्डिंग वो किस टाइप से डिसीजन लेते हैं, उनका किस टाइप का बिहेवियर है, उनके सोचने की थिंकिंग कैपेसिटी कितनी है, उसके अकॉर्डिंग उनको मेजर किया जाता है इस टेक्निक से, तो उसे क्या कहते हैं पर्सनैलिटी टेस्ट, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन है, देखिए इसमें आई प्रिफर वेराइटी टू रूटीन, मतलब कि मुझे रूटीन की बजाय वेराइटी पसंद है। रियल लाइफ में आपको पसंद हो नहीं हो डजेंट मैटर, यहाँ पर क्या एग्जिस्ट करता है, आपको क्या आंसर देना चाहिए। देखिए ऑप्शन नंबर ए है, यस हाँ मुझे
रूटीन की बजाय डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी पसंद है, यानी मुझे डेली रूटीन फॉलो करना पसंद नहीं बल्कि रूटीन में जो डेली बेसिस पे जो चेंजेस होते हैं मुझे वो पसंद है। यस बी मतलब बी ऑप्शन में है नहीं, मतलब कि मुझे नहीं, मुझे रूटीन फॉलो करना पसंद है, वैरायटी पसंद नहीं है। सी कान से कुछ कह नहीं सकते। तो यहाँ पर क्या होगा इसका जो बेस्ट सुटेबल आंसर होगा, देखिए कोई यस टिक कर सकता है, कोई नो टिक कर सकता है, कोई कान से टिक कर सकता है, लेकिन कान से नहीं करना चाहिए आपको। ये जो आपको जो भी आंसर हो या तो यस हो या तो नो हो, लेकिन ये जो बीच का सिचुएशन होता है ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा लगेगा कि आप कन्फ्यूज पर्सन है, आपको अपने बारे में ही नहीं पता कि आप क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। तो इसलिए ये कान से तो आप बिल्कुल चूज़ ना करें, आपका जो भी आंसर हो क्लियर हो, जो भी हाँ में हो नहीं में हो डजेंट मैटर, जो भी हो क्लियर हो, लेकिन आप ऑल टाइम पॉजिटिव ही रहें, नेगेटिव पर्सन की तरह ना सोचें, ठीक है। तो आई प्रीफर वैरायटी टू रूटीन, तो यहाँ पर किसी का हाँ भी हो सकता है किसी का ना भी हो सकता है, लेकिन बेस्ट सुटेबल आंसर क्या होगा, नहीं, ठीक है। बेस्ट सुटेबल आंसर क्या होगा, नहीं, मुझे रूटीन पसंद है डेली। अगर आप सुनिए कि मतलब आप समझिए कि आप कोई एक रूटीन फॉलो करते हैं तो उससे आपका जो टाइम है वो मैनेज होता है, उसके अकॉर्डिंग आप वक्त निकाल पाते हैं या फिर कोई भी काम टाइम पे हो जाता है, तो एक रूटीन फॉलो करना चाहिए। तो यहाँ पर बेस्ट सुटेबल आंसर होगा रूटीन, है ना। बाकी कोई हाँ भी कह सकता है तो गलत नहीं होगा, बस ये है कि आप ये क्या कहते हैं, आप पास तो सब कोई हो जाएंगे लेकिन जो नंबर आएंगे वो वेरी कर सकते हैं, किसी के ज़्यादा होंगे किसी के कम होंगे, ठीक। नेक्स्ट देखिए, आई लाइक टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, मुझे जटिल समस्याओं को हल करना पसंद है। तो अब आपको पसंद हो चाहे नहीं हो, लेकिन हमें एक आइडियल पर्सन की तरह सोचना है, तो यस इसका राइट आंसर क्या होगा, यस हाँ मुझे पसंद है। नेक्स्ट देखिए, आई टेंस टू वोट फॉर लिबरल पॉलिटिकल कैंडिडेट, मतलब कि मैं उदार राजनीतिक उम्मीदवारों को वोट देता हूँ, ठीक है। तो इसका क्या आंसर होगा, तो आपको वोट देना है नहीं देना है कोई मतलब नहीं है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू सोशल इम्पैक्ट क्या होना चाहिए, तो यस इसका राइट आंसर क्या होगा, यस। नेक्स्ट है, आई पैनिक ईजली, मैं आसानी से घबरा जाता हूँ, तो क्या होगा, ऑलवेज हमेशा नो नहीं, कान से कुछ कह नहीं सकते हैं, तो ये कान से तो होने से रहा, अब इन दोनों में से क्या होगा कि मैं ऑलवेज मतलब कि मैं हमेशा घबरा जाता हूँ ऐसा, या फिर नहीं, तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, मतलब मोस्ट सुटेबल आंसर, राइट तो कुछ नहीं है, मोस्ट सुटेबल आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, नो। नेक्स्ट है, आई वुड नेवर चीट ऑन माई टैक्सेस, मतलब कि मैं जो टैक्स पे करता हूँ उसमें कभी धोखा नहीं करता हूँ, मतलब धोखा नहीं देता हूँ, तो इसके लिए क्या होगा राइट सुटेबल आंसर, तो यस हाँ, बी मतलब नो नहीं, सी मतलब नेवर कभी नहीं, तो क्या होगा कि आई वुड नेवर, राइट आंसर क्या होगा, ए यस, बी नो नहीं, सी नेवर कभी नहीं, तो इसका मोस्ट सुटेबल आंसर क्या होगा, सी कभी नहीं। नेक्स्ट है, आई मेक पीपल फील वेलकम, मतलब मैं लोगों का कहते हैं लोगों का स्वागत करता हूँ, दैट मीन्स कि मैं लोगों को अच्छा फील कराता हूँ ऐसा, तो यस हाँ, नो नहीं, समटाइम कभी कभी, तो कभी कभी तो नहीं कह सकते हाँ, लेकिन यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, मतलब कि मोस्ट सुटेबल आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, हाँ, क्योंकि हमें अपने आप को एक ऐसा, देखिए कोई अगर आपको जज कर रहा है तो ऐसा जज करे कि हाँ ये जो बंदा है एक नंबर का है, दैट मीन्स कि इसके आसपास जो भी रहेगा उसका इन्वायरमेंट, वो इन्वायरमेंट काफ़ी अच्छा रहेगा, खुशनुमा रहेगा, ये लोगों का रिस्पेक्ट करता है और लोगों का मतलब कि उन्हें अच्छा फील कराते हैं इस टाइप से, है ना। नेक्स्ट देखिए, आई ट्राई टू फॉलो द रूल्स, मैं नियमों का पालन करने की कोशिश करता हूँ, तो यस yes, हाँ, नो no, नहीं, सम टाइम कभी कभी, तो नहीं, आई ऑलवेज फॉलो द रूल्स, तो इसके लिए क्या होगा, यस yes, हाँ। नेक्स्ट है, आई एम अफ्रेड दैट आई विल डू द रॉन्ग थिंग, तो यहाँ पर क्या होगा कि मतलब मैं जब कोई गलत काम करता हूँ तो मैं डरता हूँ, तो क्या ऐसा ही है, यस yes, हाँ, नो no, नहीं, सम टाइम कभी कभी, गलत काम कर रहे तो ऑब्वियस बात है डर तो लगेगी ना, तो इसमें कभी कभी जैसे तो कोई बात ही नहीं है, यस हाँ डरता हूँ। नेक्स्ट देखिए, आई टॉक टू अ लॉट ऑफ डिफरेंट पीपल एट पार्टीज, तो मतलब मैं पार्टी में जब जाता हूँ तो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट पीपल से क्या करता हूँ, बात करता हूँ, तो इससे पता चलता है कि हाँ सामने वाले बंदे का जो नेचर है वो क्या है, फ्रेंडली नेचर है, तो किसी भी इन्वायरमेंट में वो आसपास के लोगों के साथ अच्छा से एडजस्ट करके काम कर सकते हैं, तो ये आपकी पर्सनालिटी से रिप्रेजेंट होता है, दैट इज़ इसका मोस्ट सुटेबल आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, यस।
नेक्स्ट है आई एंजॉय वाइल्ड फाइट्स ऑफ फैंटेसी, मैं कल्पना की जंगली उड़ानों का आनंद लेता हूँ। खैर ये सॉरी आई एंजॉयड वाइल्ड फ्लाइट ऑन फैंटेसी, मतलब मैं कल्पना की जंगली उड़ानों का आनंद लेता हूँ। मतलब कि जो फैंटेसी पीपल होते हैं ना, जो मतलब कि माइंड में ही कल्पनाओं के थ्रू इंजॉय करते हैं उस टाइप से, तो खैर ये बुरा तो नहीं है, तो आप इसे हाँ भी कह सकते हैं या फिर समटाइम भी कह सकते हो, दोनों सही होगा। तो यहाँ पर मोस्ट सुटेबल तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये होगा सी नंबर, क्योंकि ऑल टाइम आप फैंटेसी मतलब कि दिन भर कल्पनाओं में ही बिजी रहे, तो ये तोता ये नेगेटिव पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन सम टाइम चलता है कि आप ख्यालों में ही खोए रहें इस टाइप से। 11th नंबर देखिए, आई लव टू रीड चैलेंजिंग मटेरियल, मुझे चुनौतीपूर्ण सामग्री पढ़ना पसंद है, तो यस लाइक पजल है ना, तो इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन में ए है यस हाँ, ऑप्शन बी है नो नहीं, समटाइम मतलब कभी कभी पढ़ना पसंद है, तो नहीं हमें चैलेंजिंग चीज़ें ऑलवेज पसंद होती हैं, तो इसका राइट आंसर होगा मतलब मोस्ट सुटेबल आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यस। नेक्स्ट है आई हैव अ लो ओपिनियन ऑफ माई सेल्फ, मेरी अपने बारे में कम राय है, दैट मीन्स कि मैं जो भी अपने बारे में सोचता हूँ गलत सोचता हूँ, नेगेटिव सोचता हूँ या फिर कुछ अच्छा नहीं सोचता हूँ, ये है, तो ये बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट है अपने बारे में। जो इंसान अपने बारे में अच्छा नहीं सोचता भला दूसरों के विषय में क्यों अच्छा सोचेगा, तो ये बहुत ही खराब चीज़ है, तो इसके लिए आप ऑलवेज क्या कहेंगे, नो नेवर। कान से तो बिल्कुल मत कहिए कि आपको ये पता नहीं कि आप किस टाइप के पर्सन है, तो कान से तो नहीं होगा, इसका राइट आंसर होगा नो। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, इंडिया इज अ कंट्री वेयर, भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर सभी धर्म के लोग एक दूसरे से झगड़ते हैं, द पीपल आर रिलीजियस फाइट विच ईच अदर, ऑप्शन बी है एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं, दे लिव ईच अदर एंड ऑप्शन में सी है सिर्फ एक ही धर्म के लोग रहते हैं, पीपल ऑफ ओनली वन रिलीजन लिव, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, दैट मीन्स मोस्ट सुटेबल आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी, वे एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हेन द स्टूडेंट्स कोर्स इज कम्प्लीटेड दे, जब छात्रों का पाठ्यक्रम पूरा हो जाता है तो वह क्या करते हैं, ऑप्शन नंबर ए है पढ़ाई करना छोड़ देते हैं, दे गिव अप स्टडिंग, ऑप्शन बी है सभी पढ़ाई को दोहराते हैं, रिपीट ऑल स्टडीज, ऑप्शन में सी खुशी मनाते हैं, दे रिजोइस, तो इसका राइट आंसर क्या है, मतलब कि मोस्ट सुटेबल आंसर क्या होगा, तो चलिए देख ठीक है, इसको मैं आपको एज अ होमवर्क देती हूँ, एटलीस्ट आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इसका सही यानी मोस्ट सुटेबल आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि एटलीस्ट मुझे भी पता चले कि आप किस मेंटेलिटी के पीपल हैं, ठीक है, नेगेटिव माइंडेड हैं, पॉजिटिव माइंडेड हैं या फिर नॉर्मल हैं, ठीक है। अच्छा नेगेटिव माइंडेड मतलब कि कोई भी पॉजिटिव थिंक हो जाए उस पर्सन के सामने, लेकिन उसका माइंड हमेशा नेगेटिव थिंकिंग रहेगा, कभी चेंज नहीं हो सकता, और पॉजिटिव थिंकर ऐसा मतलब कि उसके साथ लाख बुरा हो जाए लेकिन वो हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग ही रहेगा, लेकिन अपन ऐसे नहीं होते, अपन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेंज होते रहते हैं, हमारा माइंड कभी पॉजिटिव थिंकिंग करता है कभी नेगेटिव थिंकिंग करता है, क्योंकि सिचुएशन बदलती रहती है, तो अपन नॉर्मल पीपल हैं, ठीक है। तो आप बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर करके कि इसमें से कौन सा राइट आंसर है, ठीक है, आपको आंसर ऐसे करना जैसे 14 है ना, 14 के साथ ए बी सी जो भी आपको सही लग रहा है, बी सही लग रहा है, सी सही लग रहा है, व्हाटएवर, तो आप आंसर कर दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, कंगारू इज इन ऑस्ट्रेलिया, अगर कंगारू ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करता है तो आपको बताना है, द पेंगुइन अंटार्कटिका में पाए जाते हैं, द पेंगुइन आर फाउंड इन अंटार्कटिका, ऑप्शन बी है ताजमहल दिल्ली में है, ताजमहल इज इन दिल्ली, ऑप्शन सी है वेल हिंद महासागर में पाई जाती हैं, तो वेल्स आर फाउंड इन द इंडियन ओशन, तो इसमें से क्या राइट आंसर है, इसका भी आपको ही आंसर करना है, ठीक है। जो दो क्वेश्चन हैं 14 एंड 15, ये दोनों का आंसर आप अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट में बताइएगा, ठीक है। चलिए फिर आज की क्लास में इतना ही, ठीक, नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, फिर अभी मैं आपको हर जितने भी सेक्शन हैं जो आपके सीबीटी में आने वाले सबको बस फिर ओवरव्यू दे रही हूँ, जब इसकी क्लासेस स्टार्ट होंगे तो आपको मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसको आप सॉल्व कीजिएगा, और खैर मैं भी आप लोगों के साथ सॉल्व करूँगी, आपको समझाऊँगी कैसे सॉल्व करते हैं, लेकिन आपको एटलीस्ट आइडिया होगा कि मेमोरी टेस्ट में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उसमें किस टाइप से वर्क करना होता है, और जो ये साइको तो खैर कंप्लीट है, ये पर्सनालिटी टेस्ट में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उसमें उसको किस तरह से डील करना होता है, ठीक है। ये एक आइडिया है जो मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, नेक्स्ट टाइम मतलब कि जब भी
जब आपके ये कट ऑफ आ जाए और क्या कहते हैं सॉरी ये आपका ये आंसर की आ जाए तो फिर हम क्लासेस कंटिन्यू करेंगे। ठीक है अभी तो खैर नेक्स्ट एग्जाम में बहुत टाइम है तो डोंट वरी, आप बस इसको समझते जाइए। अभी हमने दूसरा सेक्शन कंप्लीट किया है दैट इज़ पर्सनालिटी टेस्ट। नेक्स्ट नेक्स्ट डे हम इंटेलिजेंस टेस्ट और जितने भी रिमेनिंग सेक्शन है उनको भी कंप्लीट करेंगे। ठीक है लेकिन एक और बात कि आप ये जो पर्सनालिटी टेस्ट है इसका एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आएंगे। आपको अच्छा लग रहा है बुरा लग रहा है चाहे जो भी आपको आंसर सही लग रहा है उसके अकॉर्डिंग आंसर कीजिएगा ताकि आपको जज किया जा सके। लेकिन अगर आप कुछ भी क्वेश्चन छोड़ कर आते हैं तो फिर आपको जज करना मुश्किल हो जाएगा कि अगर आप अपनी पर्सनालिटी के बारे में ही नहीं समझ पा रहे हैं तो आप क्या ही समझेंगे, है ना। तो इसलिए पर्सनालिटी टेस्ट का कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़कर नहीं आना है। और ये नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, ऊपर से इसमें नंबर इंसान की सोच एक जैसी नहीं होती, हर पीपल उनकी जो थिंकिंग है डिफरेंट डिफरेंट होती है। तो ऑब्वियसली बात है कोई आपको जो चीज़ सही लग रही है दूसरे के हिसाब से गलत है तो उस टाइप से टिक करेगा तो आपके बस नंबर वेरी करेंगे, अदरवाइज आप पास जरूर हो जाएंगे। इसलिए किसी भी क्वेश्चन को इसमें टाइमिंग बहुत कम रहती है क्योंकि इसको बस रीड करके आंसर ही करना रहता है, सोचना विचारना तो रहता नहीं है तो इसमें टाइमिंग भी कम रहती है। तो आप कम टाइम में अच्छे से अच्छा इसको क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा लेकिन कोई भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आइएगा। और एक और बात कि जितने भी सेक्शन होंगे हर एक सेक्शन में आपका पास होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी भी एक सेक्शन में फेल होते हैं पर्सनैलिटी को छोड़कर, किसी भी एक सेक्शन में क्या कहते हैं फेल होते हैं पर्सनालिटी में, तो खैर इसमें मार्क्स आना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप सब पे नहीं नहीं करके जाते तो समझ में आ जाएगा कि आप बहुत ही नेगेटिव पर्सन हैं तो वैसे ही आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन और एक आइडियल पर्सन की तरह सोचकर आप इसे आंसर कीजिएगा और हर क्वेश्चन को डील करिएगा और किसी भी सेक्शन में फेल नहीं होना है, अदरवाइज यू नो व्हाट विल डू विद यू। ओके एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।